और भाई क्या हाल है। एक तो यार ये सवाल पूछते हुए ना बड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं और अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे सामने कोई भी बैठा है तो रात को 2 बजे जग कौन रहा होगा। मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब चल रहा है, ठीक है। पर यार ऑफकोर्स रात को 2 बजे वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, तुम्हें पता ही है कि मैंने कहा था केमिस्ट्री वाली वीडियो पे अगर 500 लाइक्स आज रात तक हो जाते हैं तो फिजिक्स की वीडियो भी अगले ही दिन आ जाएगी। अब दिन में यार मेरे थोड़े टेस्ट वगैरह हैं तो मैंने सोचा क्यों ना रात को पहले से ही वीडियो बनाई जाए। और यार तुम लोग ना ये लाइक्स वाइक्स का जो मैं एम रखता हूँ इसको पूरा करके ना मेरे को मोटिवेट कर देते हो तुम्हारे लिए और ज़्यादा कुछ कंटेंट बनाने के लिए जो तुम्हारे काम आ सके। अब भाई लास्ट वीडियो में शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने पूछा था तो भाई वो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, तो मैंने डिसाइड कर लिया है यार। देखो शॉर्ट नोट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मेरे को सारे एक तरीके से स्कैन करके और तरीके से ऑर्गेनाइज करके तुम्हें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी ना दिखाते हुए बहुत जल्दी से शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बस इस वीडियो का एम रखेंगे यार मैथ्स की, अगर वीडियो बहुत जल्दी चाहिए और शॉर्ट नोट्स चाहिए ना कुछ नहीं चाहता मैं, बस यार आज 8K करा दो भाई, मज़ा आ जाएगा। सीरियसली 8K अगर आज रात तक हो जाते हैं ना तो भाई दिल खुश हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स क्या, मैथ्स की वीडियो का सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे लिए आज रात तक 8K करा देते हो अगर, तो ठीक है। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। अब यार आगे बढ़ने से पहले एक बार तुम्हें बता देना चाहूंगा इस किताब के बारे में जिसका नाम है 15 सैंपल पेपर्स फॉर जेई मेंस। अब भाई इस किताब की खास बात क्या है, क्या इसमें तुम्हें 15 सैंपल पेपर मिलते हैं मॉक टेस्ट जो मेंस के लिए है, जेई मेंस के लिए? सिर्फ ये नहीं यार, इसका बेस्ट पार्ट है कि भाई इसमें तुम्हें PCM तीनों सब्जेक्ट्स के लिए ना मिलते हैं माइंड मैप्स, यानी कि एक तरीके से ऐसे फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स जिनका यूज़ करके भाई तुम चैप्टर्स को ना बहुत तेज़ी से याद रख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। निमोनिक्स भी इसमें दिए गए हैं जो तरीके होते हैं यार लंबे लंबे फॉर्मूलाज को और तरीकों से याद रखने के। तो भाई बुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है, बहुत सही यूज़ होने वाली है। और इसको भाई तुम खरीद सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, वहाँ से यार तुम्हें काफ़ी अच्छा एक डिस्काउंट मिल जाएगा। ओसवाल बुक्स की बुक है, काफ़ी ट्रस्टेड है, हाईली रिकमेंडेड है, तो भाई ज़रूर चेकआउट कर लेना। अब भाई जरा काम की बात पे आ जाते हैं। 2021 के ट्रेंड्स के हिसाब से हमारे ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जो हाई वेटेज टॉपिक्स थे? अब हाई वेटेज और लो वेटेज के जो टॉपिक्स हैं इनमें हम टॉपिक्स को डिवाइड करते हैं। हाई वेटेज में भी अगर नीचे जाएं तो दो तरह के टॉपिक्स में मैं डिवाइड करता हूँ, लो इनपुट एंड हाई इनपुट, जिसका मतलब है कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है स्कोर पाने के लिए। तो लो इनपुट में तुम्हें मेहनत कम करनी है, हाई इनपुट में मेहनत तुम्हें ज़्यादा करनी है। तो ज़रा एक बार डिस्कस कर लेते कि हाई वेटेज वाले लो इनपुट टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे पहले यार तुम्हारी तरफ इधर स्क्रीन में दिख जाएगा यार, तुम्हारी लिस्ट पूरी आ जाएगी। सबसे पहला टॉपिक है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, फिर है रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर वगैरह 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 वगैरह, ऑसिलेशंस तक है, ठीक है। ऑसिलेशंस मतलब SHM की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये यार लो इनपुट वाले टॉपिक्स हैं। किसी किसी के लिए यार ये थोड़े डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से इन्हें ढंग से किया जा सकता है। अगर तुम HCV कर लो, इनकी सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, HCV के PYQs कर लो, तो तुमसे ये क्वेश्चन JEE मेंस में तो बन जाएंगे डेफिनेटली। खासकर रे ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर या फिर सेमीकंडक्टर एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, भाई ये सब काफ़ी ईजी हैं कंपेरेटिवली, ठीक है, तो इनको ज़रूर करना है। उसके बाद हाई इनपुट वाले टॉपिक्स की लिस्ट भी तुम्हें दिख जाएगी, यहाँ पर दिखेगी वो वाली, ओके। और दिख गई होगी लिस्ट तो तुम्हें, है ना, रीड कर देता हूँ एक बार कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फिर करंट है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन है, काइनेमैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब भाई ये वाले टॉपिक्स वो हैं यार जिनमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है कंपैरेटिवली, ठीक है, लेकिन भाई रिजल्ट पक्का वो भी अच्छा देने वाले हैं, मार्क्स तुम्हें बढ़िया फेच करने वाले हैं, क्योंकि इनसे एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो इन पे ज़रूर फोकस रखना है यार अपना, इन चैप्टर्स को अगर तुम सही तरीके से करके जाते हो। मैं कहता हूँ क्या करना चाहिए तुम्हें, HCV के सॉल्व एग्जाम्पल इनके लगा लो, साथ साथ इनके PYQs कर लो, और अपने जो शॉर्ट नोट्स है भाई उनका पूरा यूज़ करना। तुम्हारे पास नहीं है तो मैंने बता चुका हूँ यार, 8K सब्स अगर हमारे कर देते हो ना यार तो मैं डेफिनेटली भाई चाहे आज दिन में कर देते हो ना तो दिन में दोबारा वीडियो डाल दूंगा कि शॉर्ट नोट्स भाई मतलब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के तीनों एक साथ डाल दूंगा, अलग अलग नहीं डालने वाला तुम्हारी सहूलियत के लिए। वहां से डाउनलोड कर लेना, बस मेरी थोड़ी सी मेहनत लग रही है उसमें, क्योंकि मेरे को सब कलेक्ट करने पड़ रहे हैं, सब स्कैन करने पड़ रहे हैं, सब ऑर्गेनाइज करने पड़ रहे हैं। तो अगर तुम सब करते हो यार तो भाई मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगी
निकलेगी अंदर से। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। इन टॉपिक्स को जरूर नोट डाउन कर लेना, इनका पूरा पूरा फायदा उठाना। एंड गाइज तुम डेफिनेटली 60 प्लस स्कोर कर जाओगे, उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से 70 प्लस स्कोर कर जाओगे अगर इन टॉपिक्स को आने वाले दिन में कर लेते हो तो। तो मेरी बात जरूर मानना, इनको जरूर करके देखना। और भाई केमिस्ट्री की हाई वेटेज वाले टॉपिक्स की वीडियो देख लेना। एंड मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपनी जर्नी, जिसमें मैं 33 मार्क्स से 80 मार्क्स तक गया था फिजिक्स के अंदर लास्ट ईयर जेईई मेंस में, तो वो वीडियो भी तुम देख सकते हो। सो दैट वाज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट। You